हेलो। टेबल हाँ, वो सब कुछ बता चुके थे ना। देखो यहाँ हाँ सर ये हो चुका था ना अपना। यस सर तो ये हम बता चुके थे सारा, कैसे कैसे होता है, कैसे उसको याद रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, सब कुछ ये हो चुका था। ठीक है, तो हाँ फाइनली सर जो है अब हम लोग थोड़ा सा और, ठीक है, ये देखो ये सब हो चुका। ठीक है, सब ये बता चुके थे क्या क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड इज फिक्स्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एकोमोडेटेड इन द वेरियस सेल ऑफ एटम। ये सारा कुछ हो चुका था। ठीक है, और ये भी बता चुके थे कि हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बताए थे ना, 2, 8, 18, 32 मैक्सिमम। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, द फिगर 2, 8, 18, 32 यही होता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वेरियस पीरियड। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये पॉइंट भी, क्या ये पॉइंट है, खास करके कितना एलिमेंट रहेगा एक पीरियड में, द फिगर। ठीक है, फिगर टू एट एटीन, ठीक है, 32 ATC, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन वेरियस पीरियड पीरियड्स। ठीक है, एक्चुअली करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच कैन बी पुट इन द वेरियस सेल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है ना कि ये वाला जो हम कह रहे हैं 2, 8, 18, 32, ठीक है, ये बेसिकली हम क्या बोले कि एक पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट भी बताता है। जैसे कि फर्स्ट वाले की बात, तो फर्स्ट वाले में कितने एलिमेंट है, केवल 2 ही एलिमेंट। ठीक है, पढ़े थे ना। उसके बाद दूसरे वाले में कितना है, दूसरे वाले में आपका 8 हो जाता है। ठीक है, वो वेरियस सेल्स को बताता है। और ये कहाँ से आता है, ये जो हम लोग एक फॉर्मूला के बारे में आप सुने होंगे, हो सकता है, या जानते होंगे, 2n2। ठीक है, तो 2n2 ये फॉर्मूला जो है बोर और बरी नाम के साइंटिस्ट दोनों ने दिए थे। और एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी कि क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो यदि हम n का वैल्यू 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, 2 आ जाएगा। n का वैल्यू यदि हम लोग 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। n का वैल्यू यदि हम लोग 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से n का वैल्यू यदि 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये, ठीक है, 4 जगह 16 दूना 32। तो ये देखेंगे कि पूरा का पूरा जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए थे 2, 8, 18, 32, ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और फर्स्ट पीरियड में यदि हम बात करें तो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। ठीक है, सेकंड पीरियड में बात करें तो कितने एलिमेंट है आपका, इसमें भी 8 ही एलिमेंट। ठीक है, थर्ड पीरियड में बात करें तो कितना एलिमेंट है, इसमें भी कितने हैं, 8 ही एलिमेंट। ठीक है, 8 ही एलिमेंट। लेकिन यदि थर्ड सेल की बात करें तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आता है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किया जा सकता है। ध्यान में रखना, 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किया जा सकता है।
और ये चीज आपको तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन वाला, जब हम लोग क्या करेंगे SPDF से हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब यहाँ पे बेसिकली जो 8 इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ये होता क्या है ना कि 8 से इसमें ज्यादा, इसमें कितना होना चाहिए कायदे से, तो इसमें 18 एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन होता कितना है केवल 8। तो वो होता है इनर्जी के कारण, ठीक है, इनर्जी लेवल के कारण, या फिर यू कहें कि जो लेस इनर्जी होता है उसके कारण और मोर इनर्जी होता है उसके कारण, मतलब इनर्जी डिफरेंस के कारण। यहाँ पे हम क्या बोले कि थर्ड वाले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 18 जा सकते हैं, लेकिन थर्ड पीरियड में आपको कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं, केवल 8 ही नजर आ रहे हैं। तो इसका भी रीजन जो है वो क्यों है, इनर्जी, ठीक है, इनर्जी ऑफ सेल्स को लेकर के, जो सब सेल होता है SPDF के बारे में आप पढ़ेंगे आगे, उसको लेकर के होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग आगे ही देखेंगे, SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पे हम इसके बारे में बताएंगे कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, बस इतना ध्यान में रखना है कि क्या होगा आपका 2, 8, 18, 32, इसी तरीके से एलिमेंट का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में कितना है 2, उसके बाद 8, दूसरे में, तीसरे में भी 8 है, चौथे में भी 18 है, चौथे में 18 है, ठीक है, फोर्थ में कितने हैं 18 है, ठीक है, फिफ्थ में कितने हैं, इसमें भी आपका 18 है, ये सब पिछले क्लास में बता दिए थे, और सिक्स्थ में कितना है 32 है, और सेवन्थ में भी आपका उतना ही तकरीबन आ जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा सा यहाँ, अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका पहले ही बताएं, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो इट इज द, देखेंगे ये पेज नंबर, थोड़ा सा ये पेज भी बताते हैं ताकि, इस चैप्टर का पेज नंबर है 279, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर वाला जो ब्लैक कलर का लाइन लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि इट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एलिमेंट्स दैट डिसाइड विच एलिमेंट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड एंड विच एलिमेंट विल बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है, कहने का मतलब कि यदि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो किसका आ जाएगा, वो ग्रुप नंबर 1 में आ जाएगा। वही आउटर मोस्ट सेल में उसका 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर किसमें आ जाएगा, 18 में। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं। अभी केवल हम बात करेंगे एस और पी को समझो, डी को अभी मत समझो, डी ब्लॉक को भी मत समझो। डी ब्लॉक कौन, जो बीच में आता है वो, एस ब्लॉक कौन बताए हैं कल, जो यहाँ पे 1 और ग्रुप 2 रहता है आपको, ठीक है। और ये वाला कौन सा आपका कहलाएगा, ग्रुप नंबर 18, लास्ट वाला जो नोबल गैस रहता है वो, ठीक है, वो आएगा आपका ग्रुप नंबर 18। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सीख चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम सोडियम का करते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 और क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग क्लोरीन का करेंगे तो क्लोरीन का होता है 17, तो इसका क्या हो जाएगा 2, 8 और क्या हो जाएगा 7, ठीक है, 2, 8 और 7। तो इसका आपका कितना आ जाएगा, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये चल रहा है, और देखेंगे कि ये 7 आ जाएगा तो ये किस ग्रुप में है, ये ग्रुप नंबर आपका 17 में, ग्रुप नंबर किस में है 17 में, क्लोरीन है, और एटॉमिक नंबर इसका कितना आता है 17 आता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये चीज आ गया, अब इसमें एक टर्म और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्रुप, ठीक है। तो क्या बोला है कि द वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, द वर्टिकल कॉलम ठीक है, कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल ठीक है, आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप्स कहते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। और टोटल कितने ग्रुप हो गए, ये ग्रुप नंबर, ग्रुप 1 से लेकर के कितने हैं यहाँ अपने 18 तक, ग्रुप नंबर 1 से लेकर के कितने तक है 18 तक, ठीक। उसके बाद बात करेंगे, ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी कि ध्यान में रखना है ये भी पॉइंट कि ऑल द एलिमेंट्स
in a group, in a group have similar electronic configuration, इसी लिख रहे electronic configuration, ठीक है, similar electronic configuration, shows similar properties, shows similar properties, ठीक है, shows similar properties, similar properties जो है ये देखने को यहाँ पे मिलेगा आपका। जैसा कि यदि हम बात करें एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 और 1, ठीक है, और उसी तरह 19 चले जाओ पोटासियम, उसका भी कितना हो जाता है 2, 8, 8, 1, तो ये लास्ट में सेम मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में क्या मिल रहा है सेम, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर कॉन्फिगरेशन है इनका, ठीक है, सिमिलर कॉन्फिगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो ये क्या शो करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी को, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी को ये शो करेंगे, इज दैट क्लियर, ऐसा देखने को मिलता है। और जितना भी फिट, और यदि नोबल गैस की हम बात करें तो नोबल गैस पूरा का पूरा क्या रहेगा आपका, भरा हुआ रहेगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि द वैलेंस शेल ऑफ ऑल नोबल गैसेज आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, ये तो सिंपल सी बात है कि जितने भी नोबल गैस रहेंगे सब के सब क्या रहेंगे, पूरे के तरीके से क्या रहेंगे, फिल्ड रहेंगे उस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और इसमें ध्यान में रख लेना है कि ग्रुप नंबर, ठीक है, ये भी बता देते हैं, ग्रुप नंबर, ग्रुप आपका 1 और 2 जो रहता है वो क्या कहलाता है, एस ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद ग्रुप नंबर आपका 3 से लेकर के 12 कहलाता है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन का मतलब बीच, ठीक है, यानी कि एस ब्लॉक इधर है और पी ब्लॉक इधर, तो बीच में कौन आ जाता है, डी ब्लॉक, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इसके पीछे और भी रीजन है लेकिन ये चीज हम आपको बाद में बताएंगे, 11th क्लास में जो है उस समय हम आपको बताएंगे, तीन एलिमेंट जो है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है, ठीक है, कौन कौन सा है, Zn, Hg और Cd, नाम सुन लीजिए, Zn, Hg और Cd ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है इसका रीजन हम बाद में बताएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, और ये वाला जो आ जाएगा ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर जो है आपका 18, ये आपका आ जाएगा पी ब्लॉक, ठीक है, और ग्रुप नंबर 3 में ही पीरियड नंबर 6 और 7 जो रहेगा वो 58 से लेकर के 71 ऐसा याद आ रहा है, वो किस में आ जाएगा, नॉन ट्रांजिशन, दैट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट, खैर उसको जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, तो फिलहाल इतना ध्यान में रखेंगे, अभी एस ब्लॉक किसको कह रहे हैं, पी ब्लॉक किसको कह रहे हैं, और डी ब्लॉक किसको कह रहे हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक जो है वो सेपरेटेड है किससे, डी ब्लॉक में जो है इसमें कौन से हैं, केवल मेटल्स, मेटल्स हैं, ठीक है, इसमें भी कौन से हैं बेटा, मेटल्स होते हैं, ठीक है, और इसमें कौन से हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी, ठीक है, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, एंड मेटलॉइड्स भी, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों इसमें, ठीक है, और मेटलॉइड्स से, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल मेटल्स हैव बीन सेपरेटेड, वो आए ऐसा लिख सकते हैं, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसा भी लिखना सही रहेगा, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स, मेटल्स हैव बीन सेपरेटेड, सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मेटल्स, मेटल्स बाय एलिमेंट्स, बाय सम एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड, तो क्या बोलते हैं,
मेटालॉइड्स कहते हैं, विच आर प्लेस्ड डायगोनली इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, विच आर प्लेस्ड डायगोनली, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ फिक्स्ड है, डायगोनली अपना रहते हैं, ठीक है, याद होगा पीरियोडिक टेबल में ये देखेंगे कौन कौन सा है, तो देखेंगे बोरोन, ठीक है, ऊपर दिखाते हैं आपको, ये देख, ये देखो, अब इसमें आ जाओ, ये देखो बोरोन, बोरोन, ठीक है, ये आ जाओ सिलिकॉन, उसके बाद इसके नीचे आ जाओ जर्मनी, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एसबी, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा टी, उसके बाद आ जाएगा पीओ, ठीक है. तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, आपके मेटलॉइड्स है, ठीक है, मेटलॉइड्स, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ. हेलो, कोई तो बोलो. यस सर. कौन रहा है? तो ये इधर, ये सारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है, सबका सब नॉन मेटल, ठीक है. और ये सब देखो, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब SN3B, ये सब क्या है आपका, सब मेटल्स. एक बिस्मथ जो होता है वो टिपिकली मेटल होता है, हालांकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक. ये हो, यहाँ पे तो हम बता ही दिए, अब एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा कौन कौन सा है, कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो बोरोन, बोरोन के बाद कौन सा हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कौन सा हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, उसके बाद SB, ठीक है, उसके बाद TE, और क्या हो जाएगा PO. तो ये सब के सब किस में आते हैं, मेटलॉइड्स में आते हैं, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी को शो करते हैं. ये क्या है, विसोज, ठीक है, विसोज बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली अभी भी जो है वो एक तरह से कहा जाता है कि अभी भी ये फिक्स नहीं, ठीक है. तो इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जो एक्सचेंज में लिखा हुआ है, आपको उससे जो है एक बार पढ़ लेना है, हम पूरा का पूरा बता देते हैं, ठीक है. तो वो पहला पैराग्राफ हुआ है ना कि बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज मेटल्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये वाला पूरा का पूरा जो है पहला पैराग्राफ आपको लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा का पूरा. अब इतना तो हम लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा अपना. हम पूरा आपको कहानी समझा देते हैं, ये पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या चक्कर है, ठीक है. देखो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन की यदि हम बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, यानी कि जेड बराबर इसका कितना हो जाता है 1. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा बेटा, इसका 1 ही आएगा, ठीक है, 1 आएगा, एक तो ये, ठीक है. और हाइड्रोजन कम्प्लीट करता है, हाइड्रोजन विल कम्प्लीट, ठीक है, क्या करेगा, डबलेट का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल. बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ये चाहता है फुलफिल करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है. बाकी सबको कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसको कितना चाहिए, केवल 2 इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर. उसके बाद ये क्या होगा, स्टेबल, यानी कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए एक तरह से डबलेट कंप्लीट करने के लिए, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो जाएगा अपना टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि डबलेट कंप्लीट कर लेगा। इज दैट क्लियर? ये क्या कंप्लीट कर लेगा? डबलेट। ये क्या होगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? हीलियम के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। बाकी सब एलिमेंट्स किसको करते हैं? नेक्स्ट नोबल गैस को। जैसे कि सोडियम की बात करें तो वो किसका करेगा? नियोन का। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? वो सामने वाला को करेगा। लेकिन ये जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किसको कर लेगा? ये हीलियम। या फिर ऐसा समझे, नाइट्रोजन किसको करेगा? नियोन को। नेक्स्ट वाला कौन है? वही है ना, तीन इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या करेगा? अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। सब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन विल कंप्लीट डबलेट। इज दैट क्लियर? ड्यूप्लेट ये कंप्लीट करता है। तो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। अब इसका यहाँ पे कहानी शुरू हो गया। ये जो है ना ग्रुप नंबर वन, ठीक है, ग्रुप नंबर वन जो है उसमें कौन कौन से रहते हैं? तो याद होगा, याद करवाए थे हेलिना की रब से फरियाद, याद करवा दें हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हटा ही देते हैं अभी, ठीक है। लिथियम, ली ना के, ठीक है, रब से फरियाद, याद है ये सारे रहते। अब इन सब का कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो लास्ट में वन आता है। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? थ्री, तो इसको करोगे तो क्या आएगा? टू और वन। इसका करोगे तो कितना होता है? एलेवन। तो इसका कितना आ जाएगा बेटा? टू एट और वन। इसका कितना होता है? इसका होता है नाइनटीन, ठीक है, नाइनटीन। तो इसका करोगे कितना आएगा? टू एट एट वन। तो ये लास्ट में सबके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये सेम एज कैसा मिल रहा है? सेम एज मिल रहा है हाइड्रोजन की तरह। सेम एज कैसे मिल रहा है? हाइड्रोजन की तरह। हाइड्रोजन के भी लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, ठीक है। और जिस तरीके से अल्कली मेटल्स, ठीक है, जिस तरीके से अल्कली मेटल्स जो है वो क्या करते हैं? माइनस वन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, और क्या कर देते हैं? पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, Na क्या कर देता है? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इससे और क्या बन जाता है? Na+ बनता है ना, तभी तो NaCl बनता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बना देता है? H+ देखे हो ना, मतलब देखते ही होंगे लिखता हुआ कहीं पे। तो ये सेम उसी प्रकार से हो रहा है जैसे अल्कली मेटल्स के साथ हो रहा है। तो लोगों ने क्या बोला कि ये किस फैमिली में होना चाहिए? अल्कली मेटल्स, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला कि इट शुड बी प्लेस्ड ऑन अल्कली मेटल। दैट्स व्हाई इट शुड बी ठीक है, शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर वन। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आया अपना हैलोजन, ठीक है। हैलोजन का क्या होता है? ये हैलोजन यानी एक्स से रिप्रेजेंट होता है, और ये क्या है? क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ये सारे हैं, ठीक। अब ये सारे हैं तो फ्लोरीन का नाइन होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो टू और सेवन आएगा। तो ये क्या करता है? ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? तो फ्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या कर लेता है? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टू और एट, दैट इज ये कन्वर्ट हो जाएगा F-, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा F-, यानी ऑक्टेट कंप्लीट। उसी प्रकार से यदि क्लोरीन की बात करें तो 17 होता है, करोगे तो क्या होगा? 2, 8 और 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? 2, 8 और 8 में, और ये हो जा रहा है Cl। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि अपना हाइड्रोजन जो है, ठीक है, अपना हाइड्रोजन जो है वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यदि ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, प्लस वन इलेक्ट्रॉन होगा तो ये टू यानी कि डबलेट में कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब एक तरह से डबलेट अपना कंप्लीट कर लेगा, अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस चीज को अचीव कर लेगा? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि इसको किस में रखना है,
ग्रुप नंबर वन में रखना है या ग्रुप नंबर 17 में रखना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें जो कि उसी के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाया गया है तो उसका पोजीशन हम कह सकते हैं कि नहीं करेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, वन ही आता है, एन एस वन, ठीक है, वन एस वन, ये आप सीखेंगे आगे हम बताएंगे, वन एस वन ये आ रहा, ठीक है। तो ये जो एक यहाँ पे आ रहा है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में इसके, ऐसे भी यदि ऐसे नहीं करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन वन, ठीक है। उसके बाद सोडियम का करोगे तो सोडियम का कितना आता है 11, दैट इज ये आएगा 2 और 8 और 1, तो लास्ट में एक देखो सिमिलर मिल रहा है, ठीक है। पोटासियम का करोगे के 19, दैट इज कितना आएगा बेटा 2, 8 और 1, ये भी कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन तो मिल ही रहा है, तो फिर हमको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हम लोग इसको सजाए हुए हैं। बात समझ में आ रहा है, तो ये पूरा पूरा हाइड्रोजन की आपका आज कवर हो गया है, ठीक है। आगे जो हम लोग देखेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ये टॉपिक है आपका, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, ठीक। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, पीरियड, पीरियड्स, ठीक है। तो सबसे पहला अपना कौन सा दिया हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है आपको, नोट्स कैसे बनाना है वो हम बता देते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा, और हम समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज, जल्दी हाँ ना बोलो, हाँ हाँ, देखो क्या करना है, एस्चन है ना सबके पास, एस्चन है ना सबके पास, यस, हाँ, देखो पीरियड्स में जाओगे तुम तो पहला, सबसे पहला दिया हुआ तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो ये ब्लू कलर से लिखा हुआ, देखो हम पूरा कलर फुल करके लिखा, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा कौन लिखा हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ तुम देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अब जो रेड से लिखा हुआ वो आपको पूरा लिखना है, ऑन मूविंग, ठीक है, ये पूरा पूरा आपको लिख देना, ठीक है, और जो वो डब्बा बनाया हुआ है फिर बाद में, ठीक है, ये जो डब्बा बनाया हुआ बाद में, ठीक है, ये वाला, ये नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये आपको फिर पूरा लिख लेना, ये क्या है, एन ए रहेगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, अब समझो, ये बोलता है कि हम लोग पीरियड की तरफ जाएंगे, ठीक है, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे 11 था ये हो गया 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, इज दैट क्लियर, ये ऐसा हो जाएगा। तो जैसे जैसे इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, मूविंग अलोंग द पीरियड, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज करेगा। अब इसका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 281, इसका क्या होगा 282, इसका क्या होगा 283, इसका क्या होगा 284, तो ये देखो 4, 3, 2, 1 और यहाँ क्या हो जाएगा ये 5, ठीक है, इसका 6, इसका 7 और इसका क्या हो जाएगा 8, इस तरीके से ये बढ़ते हुए जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये किस तरीके से हो रहा है। तो अलोंग द पीरियड जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। उसके बाद आप क्या करना बेटा, वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ देखना कि द फर्स्ट एलिमेंट इन एवरी पीरियड, द फर्स्ट एलिमेंट नजर आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पीरियड हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड लास्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। समझ में आया, ये तो सब पे लागू होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा उसका पीरियोडिक टेबल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और लास्ट वाला में कितना होगा 8। अब चेक कर लो तुम, इसके नीचे क्या आता है, पोटासियम का भी कितना होता है 1 और लास्ट में कौन चला जाता है, हीलियम, नियोन, आर्गन के बाद क्या आता है, क्रिप्टन के बाद क्रिप्टन का भी कितना हो जाएगा आपका 8। कोई भी नोबल गैस उठा लो उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा, ये भी बात ध्यान में रखें। स्टार्ट किससे होगा, 1 से और खत्म किस पे होगा, 8 पर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आपका क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सॉरी वैलेंसी,
ठीक है, क्या जाता है दूसरा, सेकंड में आता है आपका बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस ठीक है। तो वैलेंसी जो है, ठीक है, वैलेंसी जो है इसमें कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज, सेम वही चीज हम ये पूरा का पूरा बना दे रहे हैं, ठीक है। अब ये एक दो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकन फास्फोरस सल्फर, ठीक है, क्लोरीन और आर्गन, यही है ना, ये एन ए, ठीक है, ये आएगा एम जी, ये आएगा ए एल, ये आएगा एस आई, ये आएगा फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, और ये आएगा आर्गन। अब ध्यान से वैलेंसी का क्या चीज है, बोलता है कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ईच शॉर्ट पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 1 to 4, ठीक है, ध्यान में रखना क्या होता है, नोबल गैस का वैलेंसी हमेशा जीरो। वैलेंसी का मतलब वो कितना, एक तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली कितना से कंबाइन करे, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऐसा समझ लो, ठीक है। तो बेसिकली वो कितने एलिमेंट से कंबाइन करेगा, तो नोबल गैस का कितना हो जाएगा, जीरो। ध्यान में रखना नोबल गैस का, नोबल गैस का वैलेंसी क्या हम लोग लिखेंगे, जीरो, क्लियर। अब देखो जिसके लास्ट में, इसके लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वन, ये हम लिख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वन टू, ठीक है, थ्री, ये आया फोर, ये आया फाइव, ये आया सिक्स, ये आया सेवन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी के लिए, वैलेंसी के लिए क्या करना, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 है वो सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 1 to 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 से लेकर के यदि 4 है तो यही हो जाएगा आपका बेटा वैलेंसी, यही क्या हो जाएगा आपका वैलेंसी, इज दैट क्लियर। लेकिन यदि, लेकिन यदि क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन कितना, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, तब क्या करेंगे हम, तब वैलेंसी इज इक्वल टू, वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 minus valence electron, क्या हो जाएगा, 8 minus valence electron, इज दैट क्लियर। तो अब बताओ ये तो 4 से ज्यादा हो गया, तो कितना हो जाएगा, 8 minus 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3, ये क्या हो जाएगा आपका, 8 minus 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा, 8 minus 7 बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी सिंपल कुछ करना नहीं, ठीक है, 1 2 3 4, 3 2 1 0, समझ में आया, 1 2 3 4, 3 2 1 0, यही तो करना है, देख लो पूरा का पूरा। बोलो जी, किसी को प्रॉब्लम है क्या, पूरा का पूरा देखो कैसा गया, पूरा का पूरा ऐसा आपको जाना है, कैसे जाना है, तो जाना है 1 2 3 4, फिर 3 2 1, और लास्ट में नोबल गैस 0, यही आपको फॉलो कर देना है, ठीक है। अब इसमें जो ब्लैक वाला लिखा हुआ वो आप लिख लेना, ठीक है, और रेड वाला जो पूरा है बनाया हुआ है वो बना लेना, हम पूरा का पूरा आपको समझा चुके, यही है पूरा। उसके बाद तीसरा यदि हम लोग जाएंगे, थर्ड वाला हम लोग जाएंगे, तो थर्ड वाला में क्या है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, तो साइज ऑफ एटम क्या है कि जैसे ही हम लोग जो है अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग पीरियड, अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड जाने पे साइज जो है वो छोटा होता है, साइज क्या होता है, छोटा, समझना ध्यान से, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, मान लेते हैं ये Na, तो Na बहुत बड़ा होता है, ये है Na, इससे छोटा हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम, इससे छोटा हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, इससे छोटा हो जाएगा आपका सिलिकॉन, ठीक है, इससे छोटा हो जाएगा आपका फास्फोरस, इससे छोटा हो जाएगा आपका सल्फर, ठीक है, और इससे छोटा हो जाएगा आपका क्लोरीन, ये इस तरीके से। तो अलोंग द पीरियड जाने पे साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज, ये ध्यान में रखें, ठीक है, अलोंग द पीरियड जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसका रीजन जो है वो जेड इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव वो आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जिसके कारण ये थोड़ा सा आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, समझा जा सकता है। अब ऐसा समझना कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फर्स्ट से,
दूसरा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यही तो एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे है। अच्छा प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन अभी इस समय मान लेते हैं टोटल कितना हो जाएगा, थ्री थ्री पी है ना, तीन प्रोटॉन कहाँ है यहाँ पे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और आया यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर प्रोटॉन हो जाएगा अंदर में, और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल यहाँ पे, इस दूरी पे अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन थे, अभी इस दूरी पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, अट्रैक्शन बढ़ेगा या अट्रैक्शन घटेगा। हेलो, बढ़ेगा बढ़ेगा। अब तुम ऐसा समझो, ऐसा समझो, सिंपल सा ऐसा समझो कि यहाँ पे एक मैग्नेट था और यहाँ पे एक मैग्नेट था। देखो जैसे कि शुरू में दो तीन इलेक्ट्रॉन थे और तीन प्रोटॉन, ठीक है वैसा, तो और दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं क्योंकि सेल तो सेम है ना, सेल में हम चेंजेस नहीं लाए, सेल दोनों का सेम है, सेम सेल में ही इलेक्ट्रॉन को डाल, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी डालेंगे तो इसी में डाल, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन कुछ होगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। अब यही पे क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम एक और रख देंगे, एक और हम मैग्नेट को रख देंगे सेम दूरी पे, इसी के ऊपर में एक और मैग्नेट रख देंगे, तो बताओ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। अब कहने का मतलब है कि इस डिस्टेंस पे एक एक मैग्नेट है, तो इनका जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दो दो और मैग्नेट इसके ऊपर रख देंगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या आएंगे, सामने आएंगे तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक उसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे जैसे हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो वैसे वैसे बढ़ता है, तो इनका दूरी नहीं बढ़ाया जाता है, बस वहीं पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डाल दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डालने के बाद क्या होता है, ये अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है और ये क्या हो जाता है, सामने आ जाते हैं। हालांकि इसके पीछे और लॉजिक है और रीजन भी है, ठीक है, लेकिन वो चीज हम लोग क्लास 11 में देखेंगे। तो फिलहाल ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, सेम दूरी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डाल रहे हैं, ठीक है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, उनमें अट्रैक्शन हो रहा है और साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना। अब यहाँ पे आप बुक पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा और बीच में कुछ चीज मिलेगा, एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे, देखना आपको क्या मिलेगा, सेम चीज मिलेगा जो हम आपको बताए। और सबको नोट कर लेना, एहसान का जो पॉइंट लगे, जो हम बोले हैं वो पॉइंट मिल रहा है, नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नोट्स वगैरह बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगा क्या, जल्दी बताओ तो फिर हम दूसरा ऑप्शन बताएंगे। नो सर, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर हमको पूछना, ठीक है। अब एक यहाँ पे आ रहा है आज के क्लास में लास्ट, क्योंकि ये बंद हो जाएगा कभी भी, ठीक है। एक आपका आ रहा है चौथा नंबर, चौथा नंबर फोर्थ आ रहा है, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। तो सिंपल सा बात है भाई कि मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे बताओ कौन है, सोडियम ग्रुप वन में, ग्रुप वन में कौन है, सोडियम। सोडियम क्या है, मेटल या नॉन मेटल, जल्दी, ये क्या है, मेटल, मेटल। अच्छा और इधर जले जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ये 17 है और ये क्लोरीन क्या है आपका, मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो आप खुद बताओ अलोंग द पीरियड जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, इज दैट क्लियर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बोलो समझ में आया, यस सर, यस सर। तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं, तुम्हारा भी टाइम हो गया है और मेरा भी, और बचा हुआ तो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी और है, केमिकल रिएक्टिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड तुरंत हो जाएगा, और बाकी अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप भी कल खत्म हो जाएगा, कल का कल पूरा पीरियोडिक टेबल आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरिट्स और